Hello everyone, so today we are going to study the first poem of your Hornbill book, that is The Photograph. So the poet of this poem is Charlotte Olson, and in this poem she recalls her mother and her memories. तो वो इस poem में अपनी माँ की memories को recall कर रही हैं. उन्होंने एक photograph देखी एक cardboard में. तो ये photograph उनकी mother की है जब उनकी माँ 12 साल की थी. तो present अगर कंडीशन में देखा जाए तो उनकी माँ की डेथ हो गई है, और इस तरह से वो अपनी माँ की डेथ के लिए ग्रीफ कर रहे हैं, यानी वो दुखी हैं. सो हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं अपने पोएम पर. सो इसकी फर्स्ट लाइन है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो. तो इन लाइन्स में बताया गया है कि जो पोएट है वो बहुत पुराने फोटोग्राफ एल्बम को देख रही है जिसमें वो कार्डबोर्ड का बना हुआ है. अब इसमें बताया जा रहा है कि ये जो पिक्चर्स हैं इसमें थ्री गर्ल्स हैं जो कि एक साथ खड़ी हुई हैं. इसमें से टू गर्ल्स छोटी छोटी हैं और जो मिडिल गर्ल है वो सबसे बड़ी है. उसकी एज कुछ 12-13 साल के आसपास होगी, इसीलिए इसमें लिखा है 12 ईयर्स और सो. तो इसमें बताया जा रहा है कि जो मिडिल में जो गर्ल है जो 12 ईयर्स की है वो पोएट की मदर है. नाउ यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉट देयर टेरेबली ट्रांसियंट फीस. तो इन लाइंस में बताया गया है कि किस तरह से फ़ोटोग्राफ लिया गया था. तो फ़ोटोग्राफ लेने के लिए वहाँ पर जो उनकी माँ है उनके अंकल थे, तो उन्होंने ही इन तीनों की फ़ोटोग्राफ ली है. और जिस समय वो लोग फ़ोटोग्राफ ले रहे थे तो फिर क्या हुआ, तीनों जो लोग थे वो लोग अच्छे से खड़े थे, स्टिल एकदम खड़े थे, वियर्ड पोज दे रहे थे और स्माइल कर रहे थे. तो इस तरह से इनके जो हेयर्स थे वो भी ओपन थे और वेट थे, वेट मतलब गीले थे. तो पोएट का अटेंशन फिर जाता है उनकी माँ के स्वीट फेस में, और पोएट ये बताती हैं कि ये फ़ोटोग्राफ बहुत पहले लिया गया था जब कि पोएट का जन्म भी नहीं हुआ था. ऑब्वियसली जब उनकी माँ 12 साल की थी तब ये फ़ोटोग्राफ लिया गया था. तो फिर इसके बाद पोएट ने बोला कि किस तरह से सी ने यानी समुद्र ने उनके छोटे छोटे पैरों को धो दिया है. तो यहाँ पर टेरेबली ट्रांसियंट फीस मतलब है कि छोटे छोटे पैर जो कि टेम्प्ररी हैं, जैसे आप बोल सकते हैं कि जब ह्यूमन या वही गर्ल्स जब बड़ी हो जाएंगे तो उनके पैर भी बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए वो अभी टेरेबली ट्रांसियंट फीट है, मतलब छोटे छोटे पैर उनके हैं. तो यहाँ पर पोएट ने बोला कि किस तरह से जो वहाँ पर सी है यानी समुद्र है उसने उनके सबके पैर को भिगो दिया है या वॉश कर दिया है. नाउ दे हैड ग्रोन ओल्डर, और उस समय तो वो लोग बहुत ज़्यादा छोटी लड़कियां थी लेकिन अब ये लोग काफ़ी बड़े हो गए हैं. ऑन द अदर हैंड द सी विच टच देयर फीट हैज चेंज लेस, और यहाँ पर बताया गया है कि जो सी है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्थ लाइन में, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, इसका मतलब वो लोग तो बड़े हो गए, मतलब जो थ्री गर्ल्स फोटोग्राफ में थी वो तो बड़ी हो गई लेकिन वो जो समुद्र है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ. नाउ सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. तो यहाँ पे लिखा है कि 20 या 30 साल के बाद अगर वही लड़कियाँ अपनी फ़ोटो देखेंगी तो वो लोग सब हंसेंगी. शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, यहाँ पे स्नैपशॉट मतलब है फोटोग्राफ. सी बेटी एंड डॉली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे. तो वहाँ पर बताया गया है कि वो जो गर्ल्स थी उनकी मदर के अलावा उन दोनों के नाम थे बेटी और डॉली. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ये लोग अपनी फोटोग्राफ 20 या 30 साल बाद देखेंगी तो सब लोग बहुत हंसेंगी. और जो उनकी मदर है वो कहती कि बेटी और डॉली देखो किस तरह से हमारे पेरेंट्स ने उस समय हमें रेडी किया था बीच के लिए, एक हॉलीडे के लिए. दे वुड हैव प्लान टू टेक ए फोटोग्राफ बिफोर हैंड, मतलब वो लोग ने पहले से ही हम लोग को तैयार किया था फ़ोटो लेने के लिए. वॉज हर पास्ट माइन इज़ हर
लाफ्टर, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो यहाँ पे पोएट ने बोला है कि किस तरह से सी हॉलिडे उसकी मदर का फेवरेट मोमेंट होगा पास्ट से, लेकिन पोएट का फेवरेट मोमेंट है उसकी माँ का लाफ्टर। मतलब कि जो उसकी मदर थी उनके लिए तो वो जो हॉलिडे था वो बहुत अच्छा था, लेकिन पोएट के लिए उनकी माँ की जो खुशी दिख रही है उस फोटोग्राफ में वो एक फेवरेट मोमेंट है। बोथ द वुमेन वुड थिंक अबाउट दोज पास्ट मेमोरीज विच दे कैन नॉट लिव अगेन। अब वहाँ पे दोनों लोग अपनी वही पुरानी मेमोरीज को याद करेंगी जिसको वो लोग अब नहीं जी सकती। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू एडजस्ट टू वॉट दे लॉस्ट। अब ये लोग सब एडजस्ट कर रहे हैं, मतलब जो हमारी पोएट है वो एडजस्ट कर रही है जो भी चीज़ें उसने लॉस कर दी है, मतलब उसकी मदर की डेथ हो गई है तो इस लॉस के बाद भी वो एडजस्ट कर रही है। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एस मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो इन लाइन्स में बताया गया है कि जो पोएट है वो बोल रही है कि उसकी माँ को मरे हुए 12 साल हो गए हैं और उनकी माँ की डेथ तभी हुई थी जब जो हमारी पोएट है उनकी उम्र कुछ 12 साल रही होगी, मतलब जो फ़ोटो में उनकी माँ की उम्र है जब पोएट की उम्र थी तभी उनकी डेथ हुई थी। वेन एवर द पोएट थिंक्स ऑफ हर मदर्स डेथ शी कैन नॉट एक्सप्लेन वॉट इफेक्ट शी हैज़ ऑफ हर मदर्स डेथ। तो अब पोएट बोलती है कि जब भी वो अपनी माँ की डेथ के बारे में सोचती हैं तो वो बता नहीं सकती कि कितना अफेक्ट हुआ है उन पर उनकी माँ की डेथ का। डेथ हैज़ साइलेंस्ड हर मदर विच हैज़ ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस। तो डेथ के बाद अब उनकी माँ तो नहीं बोल सकती और इस तरह से वो साइलेंट हो गई हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि डेथ हैज़ साइलेंस्ड हर मदर, उनकी माँ को डेथ ने साइलेंस करा दिया है और इसके बाद वो भी अब साइलेंट हो गई हैं और उनके पास भी अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द समरी ऑफ दिस पोएम। इस पोएम में जो हमारी ऑदर हैं या बोल सकते हैं जो हमारी पोएट हैं वो अपनी माँ की एक फ़ोटोग्राफ देखती हैं कार्डबोर्ड में और उसके बाद फिर उनको कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं तो वो बताती हैं कि किस तरह से वहाँ पर 3 गर्ल्स थी उस फोटोग्राफ में और 3 गर्ल्स में से जो मिडिल गर्ल थी वो उसकी माँ थी जब वो 12 साल की थी तब ये फ़ोटोग्राफ ली गई थी और प्रेजेंट एज में अब वो नहीं है तो इसलिए उन्हें काफ़ी दुख हो रहा है और वो अपनी माँ की लाफ्टर यानी उनकी खुशी और उनकी स्माइल को वो मिस कर रही हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम।